देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। ये गाना तो आपने सुना ही होगा। ये गाना बिल्कुल फिट बैठता है करिश्मा और राखी पर। वैसे तो भारतीय संस्कृति में समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी प्यार जब परवान चढ़ता है तो सारे भेदभाव खत्म हो जाते हैं। आपने कई फिल्मों में देखा होगा या सुना होगा, होगी प्यार की जीत, प्यार कभी झुकता नहीं। लेकिन जिस कहानी को हम दिखाने जा रहे हैं, वहां आप कहेंगे प्यार कोई खेल नहीं। ऐसा ही मामला सामने आया है बिहार के जमुई से। युवक और युवती के बीच प्रेम प्रसंग की बातें तो हमेशा सामने आती है, लेकिन जमुई में पहली बार एक चौंकाने वाला मामला प्रकाश में आया है। यहाँ एक युवती का दिल दूसरी युवती पर आ गया और दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा कर घर से फरार हो गई। इतना ही नहीं, फरवरी माह में एक युवती की शादी हुई थी, लेकिन युवती अपने पति को छोड़कर दूसरी युवती के साथ रहने के लिए जमुई से धनबाद चली गई। हालांकि पति के आवेदन देने के बाद टाउन थाना की पुलिस ने धनबाद से दोनों युवती को बरामद कर लिया है और उसे टाउन थाना लाया गया है। टाउन थाना में दोनों युवतियों की कहानी सुनकर लोग दंग रह गए। थाना के कर्मियों के बीच भी चर्चा का विषय बन गया। सभी लोग युवतियों को समझाने में लगे रहे, लेकिन युवती एक दूसरे के साथ ही रहने की जिद पर अड़ी रही। बरामद युवतियों की पहचान लछुआड़ थाना क्षेत्र के मुबारकपुर नीमा गांव निवासी सुरेंद्र रावत की पुत्री करिश्मा कुमारी और बरहट थाना क्षेत्र के गुगुल्ली गांव निवासी रामबली तुरी आदित्य मेघा उर्फ राखी कुमारी के रूप में हुई है। बताया जाता है कि दोनों के पिता धनबाद में नौकरी करते हैं। दोनों युवती धनबाद में ही रहकर पढ़ाई करती थी। कंप्यूटर क्लास के दौरान दो वर्ष पूर्व दोनों की मुलाकात हुई और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। इसकी जानकारी परिवार वालों को हुई। उसके बाद फरवरी माह में करिश्मा के परिजन झाझा के पुरानी बाजार निवासी संदीप कुमार से उसकी शादी करा दी थी। कुछ दिन तक करिश्मा पति के साथ रही। फिर करिश्मा शादी के एक माह बाद अपनी दोस्त आदित्य मेघा उर्फ राखी कुमारी से फोन पर बात करने लगी। दो माह पहले राखी कुमारी घूमने के लिए शहर के बोधवन तालाब स्थित जंगल सफारी में आई थी। इसी दौरान करिश्मा भी अपने पति के साथ जंगल सफारी पहुंच गई और फिर पति के सामने से ही दोनों गायब हो गई। उसके बाद पति के द्वारा टाउन थाना में पत्नी के अपहरण करने का आरोप आदित्य मेघा उर्फ राखी कुमारी पर लगाकर मुकदमा दर्ज कराया। दोनों युवती को धनबाद से पुलिस ने बरामद कर लिया है। दोनों एक साथ रहने की बात कह रही है। तो? कहाँ गए थे? अच्छा, तो फिर यहाँ कैसे आए? अच्छा, जम्मू आने वाले थे, जमशेदपुर से आए धनबाद, बोले जम्मू जाएंगे मंडे को, तो फ्रेंड का नाम क्या है? तो क्यों गए थे उसके साथ? उसके साथ रहने और टॉर्चर करता था। तो फ्रेंड के साथ रहने के लिए? तो कब तक रहोगे उसके साथ? फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है। हुआ क्या बात? तो बोलते मेरा हस्बैंड ऐसे करते वैसे करते, मेरा घर फैमिली भी सपोर्ट नहीं करता हमको। हम बोले कि देखो ऐसा बात है तो तुम बात करो। फिर उसका हस्बैंड भी पास पीछे से है। उनका पीछे से हस्बैंड, क्या बात है, ऐसे क्यों है, लेके जाइए इनको घर। वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अच्छा। वो कुछ भी नहीं बोल रहे। बहुत देरी तक उसका हस्बैंड को भी समझाएं कि लेके जाइए इनको, बार बार बोले संदीप जी लेके जाइए इनको, तो वो कुछ नहीं बोल रहे। फिर अचानक वो क्या हुआ ना कि उसकी करिश्मा, जो करिश्मा राउत है, वो उनको बोले कि हम नहीं जाएंगे, आपको लेके जाना है तो चलिए, नहीं तो हम मर जाएंगे, वो बोलती। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर उनका हस्बैंड को भी बोल रहे कि लेके जाइए, अगर ऐसी बात है तो बात कीजिए, तो वो कुछ नहीं बोले। तो अचानक फिर वो लड़की मेरा हाथ पकड़ी या साथ ही चली आई मेरे साथ। हम आपको क्या लगता है, अगर अभी भी पति के साथ जाना चाहती है तो आपको कोई इतराज है उससे? हमें कोई इतराज नहीं। अगर जाना चाहती है तो कोई बात नहीं, अगर जाना चाहती है तो भी ठीक, नहीं भी जाना चाहती तो भी ठीक। आप दोनों फिर रहना चाह रहे हैं? साथ में रहना चाहते हैं। अगर वो जाना चाहते तो कोई इतराज नहीं? कोई इतराज नहीं है।
अगर वो अगर बोल देगी कि हम जाना चाहते हैं तो आपके, आपके भी अगर घर वाले कहीं आपकी शादी करवा दे तो? हम शादी करने वाले नहीं हैं, हम पहले से शुरू से घर पे बोले कि शादी नहीं करने वाले। आप क्या सोचते हैं इस मामले में, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।